हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ऑफ ए सब ग्रुप। एक मिनट में आवाज़ कम करो। देखिए आज हमने पढ़ना है सब ग्रुप का कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ऑफ ए सब ग्रुप। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको इधर देख सकते हैं आप कि एच कोई मान लेते हैं सपोज सब ग्रुप है, मान लेते हैं सपोज जी कोई ग्रुप है, ठीक है ना स्टूडेंट। जी कोई ग्रुप लिया हमने और एच कोई सब ग्रुप लिया, ठीक। जी कोई ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, ए और बी कोई एलिमेंट हैं जी के, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम बोलेंगे जब अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करें इन दो एलिमेंट के बीच में, इस तरीके का रिलेशन इफ एंड ऑनली इफ कि इन ए इंटू बी इनवर्स जो है वो एच के अंदर हो जाए, उसको हम बोलेंगे ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी। मतलब उस टाइम इफ एंड ऑनली इफ, अगर ये कंडीशन होगी तो ये जो ए एलिमेंट है ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है, मैंने कहा एच कोई तुम्हारा सब ग्रुप है किसी ग्रुप का, डिफाइन अ रिलेशन आर इन जी, इस जी के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और इस तरीके से कि ए बी के साथ रिलेट कब होगा इफ एंड ऑनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, अगरचे उन दोनों का मल्टीप्लाई का इनवर्स जो है, मतलब ए बी इनवर्स जो है, ये मैंने थ्योरम आपको कल के लेक्चर में बताई थी कि इफ़ एंड ऑनली इफ कंडीशन क्या है और इनवर्स के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं सब ग्रुप के बारे में। अगर ये कंडीशन होगी तो हम बोलेंगे ए जो है वो बी को रिलेट कर रहा है कॉन्ग्रुएंस मॉडलों से, ठीक है ना। अब ये जो और है इसको हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस में इस तरीके से, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट का निशान ये होता है, मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है ना। ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एच, ग्रुप सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, मॉडलो एच, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एच। अब डेफिनेशन अगर कोई कहे क्या होती है, आपने ऐसे देखना है, ऐसे समझना है कि सपोज कर लेते हैं कोई भी जी एक ग्रुप है, उससे कोई भी दो एलिमेंट ले लें, उनके बीच में रिलेशन ऐसे रिलेशन अगर डिफाइन हुआ होगा तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडलो ऑफ ए सब ग्रुप। तो लिखेंगे कैसे, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एच, या ऐसे लिख सकते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ एंड ऑनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है तो इसको हम बोलेंगे राइट कॉन्ग्रुएंस, अगर ये हो ए इनवर्स बी बिलोंग, अगर ए इनवर्स बी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे ये लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है स्टूडेंट। अगर ए बी सॉरी हाँ अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो कंडीशन हो रही है आपके पास ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, मतलब इफ़ एंड ऑनली इफ अगर ये कंडीशन होगी तो हम तब उस कॉन्ग्रुएंस को बोलेंगे राइट कॉन्ग्रुएंस मॉडलो एच। अगर होगा ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ऑनली इफ ए इनवर्स बी इन एच होगा तो हम बोलेंगे लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस मॉडलो एच, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्ग्रुएंस मॉडलो ऑफ ए सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है और इसका यूज़ करना है, जब हम थ्योरम करेंगे उस थ्योरम में आपको याद रखना है कि कॉन्ग्रुएंस मॉडलो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये हाँ ये जो आर है ना, इस आर को मैंने बोला कि ये आर एक ऐसा सिंबल है जिस एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल, किस सिंबल से, अभी मैंने बताया इस सिंबल से, ठीक है। बहुत सारी बुक हैं वो कभी कोई बुक ऐसे लिखती है कोई बुक इसे, तो मैक्सिमम आप यही नोटेशन यूज़ करते हो तीन लाइनों वाला, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो मतलब कॉन्ग्रुएंस किसी सब ग्रुप का कॉन्ग्रुएंस मॉडलो क्या होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट उसके ग्रुप से लिए जाएँ उनके बीच में जो रिलेशन बताए इस तरीके से कि इफ़ एंड ऑनली इफ अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो तो तब हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंस मॉडलो ऑफ ए सब ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी के रिलेटेड एग्ज़ाम में जो थ्योरम आती है आपको एग्ज़ाम में वो इस तरीके से आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी बुक में भी है और आप देख भी सकते हैं। थ्योरम ये है कि अगर कोई सपोज एच तुम्हारा सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, तो देन द रिलेशन, ये वाला रिलेशन मतलब ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एच इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो कह रहा है थ्योरम की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं कि अगर मान लेते हैं सपोज कोई एच तुम्हारा सब ग्रुप है और किसी ग्रुप का,
तब प्रूफ करो कि ये जो रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हो, ये वाला ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ये रिलेशन प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, आप सबको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले इस थ्योरम को करने के लिए आपके पास बुक में ऑलरेडी है प्रूफ भाई, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ आपको क्या क्या करना होता है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम प्रूफ कर लेते हैं। सपोज कोई भी एलिमेंट एक ले लेते हैं, मैं रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करूंगा पहले, ठीक है ना। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं लेट, देखिए बुक की स्टेटमेंट सॉरी थ्योरम की स्टेटमेंट बुक में है, ठीक है ना, बुक में आप देख सकते हो। मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट बोल भी दी आपको, तो आप सिर्फ इसका प्रूफ के स्टेप समझें, ठीक है ना। पहला हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट ए है जी से, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब एक एलिमेंट ले लिया जो जी में है, तो देन तब आपको पता है अगर ए जी के अंदर है तो तब ये कंडीशन पड़ी होगी ए ए इनवर्स ई हो जाता है, मतलब सेम सेम एलिमेंट का इनवर्स इनटू दिस एलिमेंट, मतलब ए इनटू उसका इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाती है, ठीक है ना। और आइडेंटिटी किसको बिलोंग कर रही है, आइडेंटिटी उसके सब ग्रुप में होती है भाई, आपको पता है ना, जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वही उसके सब ग्रुप की भी आइडेंटिटी होती है, याद रखना। तो इट मीन्स ये आइडेंटिटी एच में बिलोंग होगी, मतलब एच के अंदर भी होगी। तो अब आप चूंकि आप जानते हैं कि एच जो है तुम्हारा जी का सब ग्रुप है, तो देयरफॉर अगर एच सब ग्रुप है जी का, एच जो है वो सब ग्रुप है किसका, जी का, तो देयरफॉर ये कंडीशन हो जाएगी बाय कॉन्ग्रुएंस डेफिनेशन से, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एच, ठीक है स्टूडेंट, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एच, ठीक है, ये कंडीशन होगी। अगर ये हो गई तो इट मीन्स अब ए क्या है, फॉर ऑल ए इन जी, तो जो हमने देखो जी से एलिमेंट लिया और उस पर अगर एक, मतलब एक एलिमेंट हमने जी पे लिया और जब उसका हमने मतलब उसी एलिमेंट के साथ उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मिली हमें हमारे पास। अब चूंकि ये तुम्हारा सब ग्रुप है किसी एलिमेंट का, तो हम बात कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो किसका पढ़ते हैं, सब ग्रुप का। तो चूंकि ये सब ग्रुप है, एच तुम्हारा सब ग्रुप है, तो इट मीन्स बाय कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं कि ये जो ए है वो कॉन्ग्रुएंट टू ए हो जाएगा मॉडुलो एच। जब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो एच है तो देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर एक एलिमेंट है उसकी इमेज खुद वही बने, मतलब एक सेट रिलेशन के अंदर लेते हैं ना, 1 1 2 1 2 3 4, जब 1 1 को जाए, 2 2 को जाए, 3 3 को, तो हम बोलते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए हुआ, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा था ना ए बी इनवर्स इन एच, इफ़ एंड ऑनली इफ डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए ऑपरेशन बी इनवर्स। अब ज़रूरी नहीं है आप ए बी इनवर्स लिखो, ए ओ बी इनवर्स भी लिख सकते हैं, ओ का मतलब यही है ए डॉट बी, ठीक है स्टूडेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इट मीन्स देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए क्या करोगे आप, देखिए सिमेट्री के लिए आप दो एलिमेंट लेते हैं। सिमेट्री के लिए पता ना आपको, अगर 1 1 2 किसी रिलेशन के अंदर है तो 2 1 भी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक है। तो अब इधर सिमेट्रिक की वही बात है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एच, मान लिया सपोज ए जो है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बी एच के अंदर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस सप्लाइज अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, दिस सप्लाइज अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, मैंने डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंस की क्या बोली कि अगर कोई दो एलिमेंट के बीच में ये रिलेशन डिफाइन होगा तो इफ़ एंड ऑनली इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैंने वही सिमेट्री के लिए कहा कि लेट ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एच, तो दिस सप्लाइज अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ए बी इनवर्स एच के अंदर होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं इसका होल इनवर्स कर दूँ, ए पी इनवर्स का होल इनवर्स कर दूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा भाई। देखिए आपको मैंने बताया था कि ए पी इनवर्स को कैसे लिखा जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स उल्टा हो जाता है, तो ऐसे ही इसको करोगे तो हो जाएगा बी इनवर्स का होल इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स का होल इनवर्स बी होता है और इनटू ए इनवर्स,
तो आ गया ना भाई बी ए इनवर्स। तो मैंने कहा था कि बी ए इनवर्स जो है, बी ए इनवर्स का मतलब है बी इज कॉन्गुरेंट टू ए। तो दिस इंप्लाइज मैंने ए इज कॉन्गुरेंट टू बी लिया, तो आपके पास प्रूव हो गया बी इज कॉन्गुरेंट टू ए, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। भाई समझ आ रही है ना, अगर वन टू एलिमेंट लिया तो टू वन प्रूव हो गया, तो इट मीन्स हम बोलेंगे सिमेट्रिक। सिमिलरली मैंने कहा ए इज कॉन्गुरेंट टू बी है, लेट सपोज किया कि इसके कॉन्गुरेंट है, तो उस अगर ये कॉन्गुरेंट हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन से मैंने क्या किया, इसका होल इनवर्स किया, तो आपके पास आ गया बी ए इनवर्स। तो बी ए इनवर्स होगा तो बी इज कॉन्गुरेंट टू ए, बी इज दिख रहा आपको ये, हाँ बी इज कॉन्गुरेंट टू, इधर लिख लेता हूँ मैं, अगर बी ए इनवर्स होगा तो इसका मतलब है बी इज कॉन्गुरेंट टू ए मॉडलो एच। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देयरफॉर इसका मतलब ये है कि दिस शोज दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये रिलेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कंडीशन क्यों सेटिस्फाई होती है, क्योंकि सब ग्रुप है। तो जब सब ग्रुप के लिए हमें, आपने सब ग्रुप की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो सब ग्रुप के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है ना, तभी मैंने कहा सिंस एच इज़ अ सब ग्रुप, तो देयरफॉर अगर ए इसके कॉन्गुरेंट है तो इट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी बिकॉज एच इज़ अ सब ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, तो एच सब ग्रुप होने की वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन से हमें पता लग जाएगा बी ए इनवर्स एच में होगा, तो बी ए इनवर्स अगर एच में है तो बी इज कॉन्गुरेंट टू ए। जैसे ए बी इनवर्स को हम लिखते हैं ए इज कॉन्गुरेंट टू बी, सिमिलरली बी ए इनवर्स को लिखेंगे बी इज कॉन्गुरेंट टू ए, तो ये प्रूफ हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी के लिए भी आप ऐसे ही करोगे, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, तो ट्रांजिटिविटी के लिए भी आप, ट्रांजिटिविटी क्या होती है, अगर ए बी किसी सेट रिलेशन के अंदर है, बी सी भी है, तो देन ए सी भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे। अगर कोई वन टू अगर सपोज है, टू थ्री है, तो वन थ्री भी अगर उस रिलेशन के अंदर होगा तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, तो सिमिलरली इधर भी वही केस है, तो इधर भी हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज कॉन्गुरेंट टू बी मॉडलो एच एंड बी इज कॉन्गुरेंट टू सी मॉडलो एच, सपोज ये कंडीशन गिवन है। ठीक है ना, लेट कर ली हमने ये चीज़ है, तो दिस इंप्लाइज इसका मतलब क्या है, सिंस एच इज़ अ सब ग्रुप, अगर एच सब ग्रुप है तो ए इज कॉन्गुरेंट टू बी है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी इनवर्स एच में होगा। ठीक है, ए बी इनवर्स एच में होगा, एंड इसका मतलब क्या है, बी सी इनवर्स एच में होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई आपको। अब देखिए, अब एसोसिएटिविटी से हम इसको लिख सकते हैं ना, जैसे ए प्लस बी प्लस सी लिखो, या ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी लिखो, या ए प्लस बी प्लस सी लिखो, एक ही बात है, ये ट्रांजिटिव के लिए लिख सकते हैं हम। सिमिलरली इसको भी वैसे ही करेंगे, तो इसको भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी इनवर्स, अगर ये बी एच के अंदर है तो ये बी एच के अंदर है, तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो वो बी एच के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि एच सब ग्रुप है, तो एच सब ग्रुप है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ए बी इनवर्स इंटू बी सी इनवर्स बी एच के अंदर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, यहाँ से मैं अगेन एसोसिएटिविटी से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए इंटू बी इनवर्स बी और इंटू सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, लिख सकता हूँ इसको मैं, बी और बी, बी इनवर्स और बी को इकट्ठा कर दें। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ बी इनवर्स बी किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर, तो आइडेंटिटी के बराबर होता ना, तो क्योंकि सेम सेम एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी बन जाता है, इंटू सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो आइडेंटिटी मतलब वन, तो ए इंटू सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ए सी इनवर्स एच के अंदर है, ये आपको दिख नहीं रहा शायद, जब ये चीज़ आई उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ ए ई मतलब आइडेंटिटी, ए इंटू आइडेंटिटी ए ही रहता है, तो ए इंटू सी इनवर्स एच के अंदर चला जाएगा। जब ए सी इनवर्स एच के अंदर चला जाए तो इसका मतलब क्या है, ए इज कॉन्गुरेंट टू सी मॉडलो एच, तो हैंस प्रूफ। मैंने कहा ए बी के अंदर ए इज कॉन्गुरेंट टू बी, बी इज कॉन्गुरेंट टू सी, देन ए इज कॉन्गुरेंट टू सी होगा तो प्रूफ हो जाएगा, तो ए इज कॉन्गुरेंट टू सी भी हमने प्रूफ कर दिया, तो हम बोलेंगे ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपको समझ आया होगा कॉन्गुरेंस का कंसेप्ट। ठीक है ना, कॉन्गुरेंस में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, कॉन्गुरेंस मॉडलो में आपने सीधा याद रखना है सिंपल, कि अगर कोई भी हम दो एलिमेंट किसी ग्रुप से लें और उन
के बीच में रिलेशन डिफाइन करें। और हाँ, अगर कोई ग्रुप के एलिमेंट से दो मतलब लें सपोज कोई मतलब एक ग्रुप है और उसका सब ग्रुप एच है, और अगर उसी ग्रुप से हम कोई भी दो एलिमेंट लें उनके बीच में अगर ये रिलेशन डिफाइन होगा मॉडलो एच मतलब मॉडलो सब ग्रुप, इफ़ एंड ऑनली इफ अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती होगी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो तब हम बोलेंगे ये क्या है कंपोनेंट्स मॉडलो ऑफ ए सब ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये थ्योरम समझ आई होगी और कंकोरेंस मॉडलो ऑफ ए सब ग्रुप की डेफिनेशन भी समझ आई होगी। ठीक है ना, अब जब हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो कंकोरेंस के बारे में क्वेश्चन को एग्जांपल दूंगा आपको मैं, तो जब हम करेंगे आपको समझ आ जाएगी कंकोरेंस मॉडलो के बारे में किस तरीके से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट थ्योरम, देखिए थ्योरम क्या चीज़ है।